इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को शामिल कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा इसको क्या है ना। एक बात जो हमने बेसिक में बोली थी, बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास जब हुई थी, कि अगर एक से ज्यादा इक्वल का साइन आ जाता है तो क्या किया जाता है। जो बच्चे हमारे बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास ले रहे थे, बेटा जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि क्या करना होता है जब दो से ज्यादा, जब दो या दो से ज्यादा इक्वल का साइन आ जाता है तो क्या करना होता है। जब दो या दो से ज्यादा इक्वल का साइन आ जाता है तो करना होता है। बहुत बढ़िया बेटा, कुछ बच्चे जो बेसिक मैथमेटिक्स के दूसरे पॉइंट्स थे उनको लेके आ रहे हैं, लेकिन यहाँ एक ही चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ मतलब कहीं भी जब एक से ज्यादा इक्वल का साइन आ, लिख लीजिएगा कि अगर एक से ज्यादा बराबर का साइन आ जाए, इक्वल का साइन आ जाए, तो वहां के मेथड यूज होता है। कौन सा मेथड? के मेथड, याद रखिएगा भाई। के मेथड क्या होता है, के मेथड क्या होता है, याद रखिएगा। हाँ जी, करते हैं आगे। ये आपका ए साइन थीटा इक्वल्स टू बी साइन थीटा प्लस टू पाई बाई थ्री इक्वल्स टू सी साइन थीटा प्लस फोर पाई बाई थ्री। बेटा इक्वल्स टू हमें के लेना होता है। हाँ जी, इक्वल्स टू हमें के लेना होता है। और ध्यान से देखिएगा आपको क्या नजर आता है, आपको नजर आएगा साइन थीटा इक्वल्स टू के बाई ए। आप जब गौर से देखोगे तभी नजर आएगा, वरना ऐसे नजर नहीं आएगा। आपको साइन थीटा प्लस टू पाई बाई थ्री इक्वल्स टू के बाई बी नजर आएगा। आपको साइन थीटा प्लस फोर बाई थ्री तो के बाई सी नजर आएगा। यहां तक आपको नजर आ जाएगा, लेकिन करना क्या होता है। सर मैंने एक दिन आपको अभी थोड़े पीछे वाले क्वेश्चन में ये बोला था कि इस टाइप की चीजें आए तो क्या करना होता है, याद रखिएगा। इसीलिए तो मैंने इसको इंपॉर्टेंट बोला था और प्रॉपर्टी बोला था। हाँ, आपको अल्फा अल्फा प्लस टू पाई बाई थ्री अल्फा प्लस फोर पाई बाई थ्री नजर आए तो इनका सम कर दीजिएगा। तो हम इनका सम करेंगे, किसका सम करना हमें, साइन थीटा प्लस साइन अल्फा की जगह थीटा है प्लस टू पाई बाई थ्री प्लस साइन थीटा प्लस फोर पाई बाई थ्री। और इसकी वैल्यू हमने पीछे निकाली थी, क्या आती है, जीरो। तो बेटा यहाँ से हम वैल्यू रखेंगे, यहाँ से हम वैल्यू रखेंगे, यहाँ से हम वैल्यू रखेंगे तो क्या बनेगा, के बाई ए प्लस के बाई बी प्लस के बाई सी इक्वल्स टू जीरो। इसके आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। के को कॉमन निकालो और जीरो की तरफ फेंक दो, के को कॉमन निकालो और जीरो की तरफ फेंक दो, है ना। तो यहाँ आपको नजर आएगा वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी इक्वल टू जीरो। अब इतना हो गया है तो आगे कर ही लीजिएगा। एलसीएम क्या आता है, एलसीएम आएगा आपका ए बी सी, यहाँ आएगा आपका बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी इक्वल्स टू जीरो। और ये आपका आंसर आ गया है भाई। ए बी सी को आप क्या करोगे, ए बी सी को आप जीरो की तरफ ले जाओगे। ए बी सी को आप क्या करोगे, ए बी सी को आप जीरो की तरफ ले जाओगे। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू क्या आ गई है, जीरो। बेटा यहाँ तक अगर आपके कोई छोटी सी भी दिक्कत है तो आप उसको शेयर कीजिएगा। हाँ, अगर आपके छोटी मोटी कोई दिक्कत है तो यहाँ शेयर कीजिएगा।
इसके जैसा एक क्वेश्चन और करवा देता हूं। अगर बेटा साइन की जगह कोस आ जाता है तो क्या करना होता है? ध्यान से रखिएगा इस बात को कि ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है बेटा, ये प्रॉपर्टी है ना, इस बात को भूल मत जाना कि ये क्वेश्चन आपका प्रॉपर्टी है। इसी से क्वेश्चन बना रहे हैं, एक साथ लिख लीजिएगा इन फॉर्मूले को और प्रॉपर्टी को।